हमारे एयर कंडीशनर सिस्टम में, चाहे वो स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, जब उसे ठंडा नहीं करता है, जबकि गैस भी उसमें प्रॉपर होता है, कंप्लीट होता है गैस, फिर भी ठंडा नहीं करता है, तो हम समझ लेते हैं कि उसमें चॉकिंग होगा, चॉकिंग का प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं कि सीधा हम उसे, क्योंकि चॉकिंग प्रॉब्लम कहाँ से होता है, उसका कैपिलरी होता है और उसका फिल्टर होता है, वहीं पर चॉकिंग होता है। हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली उसे हम कैपिलरी को या फिर फिल्टर को चेंज कर देते हैं, लेकिन ये गलत होता है ऐसा, कि डायरेक्ट चेंज नहीं करना चाहिए। उसे अच्छे से पहले जानना चाहिए, चेक करना चाहिए कि हमारा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कंप्रेसर का पंपिंग डाउन है, क्योंकि कंप्रेसर का अगर पंपिंग डाउन रहेगा तो गैस सही रहेगा, फिर भी वहाँ पर कूलिंग नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी पंपिंग डाउन हो जाता है कि बिल्कुल भी कूलिंग नहीं होता, बिल्कुल भी सक्शन ठंडा नहीं होता है। तो उसे कैसे चेक करना चाहिए, कंप्रेसर की पंपिंग कैसे चेक करनी चाहिए, आपका गैस और आपका कैपिलरी नुकसान ना हो, आप बेवजह आपका टाइम में वेस्ट ना हो, इसलिए आप कंप्रेसर को भी साथ में चेक करते चलें कि कंप्रेसर का पंपिंग कैसा है, उसके बाद आप कैपिलरी चेंज करें, कैपिलरी और फिल्टर चेंज करें। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कंप्रेसर का पंपिंग कैसे चेक करते हैं, वो भी सिस्टम में लगा रहे, कंप्रेसर हो या फिर ब्रिस्टल कंप्रेसर हो, किसी भी कंप्रेसर का सिस्टम में लगे हुए कैसे उसका पंपिंग हम चेक करते हैं, इस वीडियो में यही हम सीखेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, अमरेश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए सीखते हैं प्रैक्टिकली कैसे चेक करना है, कैसे कंप्रेसर की पंपिंग चेक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एयर कंडीशनर स्प्लिट एयर कंडीशनर जो 2 टन का था, यहाँ पे कंप्लेन था कि ठंडा नहीं हो रहा है, इसे हम चेक कर रहे हैं। कल मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, एक दिन का टाइम वेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम चालू करके इसे एक हम सक्शन में लगाए हैं और एक हमारा हाई प्रेशर हम डिस्चार्ज में लगाए हैं, दोनों प्रेशर चेक करने के लिए, क्योंकि वैसे तो लोग हमेशा सक्शन प्रेशर ही चेक करते हैं, जिसमें कि 60 PSI हमारा प्रेशर होता है रनिंग प्रेशर, और हमारा डिस्चार्ज प्रेशर होता है 250 PSI से 300 PSI तक। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, 100 PSI है। मानिए गैस हमारा थोड़ा सा कम है, तो इसके हिसाब से तो ये 200 PSI तक होना चाहिए था। इससे क्या होता है कि मालूम होता है कि हमारा कंप्रेसर का पंपिंग डाउन है, क्योंकि सक्शन और डिस्चार्ज सेम हो जा रहा है, समझिए। और यहाँ पे ठंडा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। कल मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, इसका फिल्टर मैंने चेंज किया, इसका कैपिलरी मैंने चेंज किया, पूरा क्लीन करके फ़िल्टर दोबारा मैंने लगाया, ये टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। अब इसे इस सिस्टम को बंद करके हम इसका पंपिंग टेस्ट करेंगे। प्रेशर तो हमने देख लिया कि प्रेशर इसका बिल्कुल एकदम डिस्चार्ज प्रेशर इतना कम है इसका, जबकि डिस्चार्ज प्रेशर 110 PSI है डिस्चार्ज प्रेशर इसका, जबकि कम से कम 250 प्रेशर होना चाहिए। 250 से मानिए थोड़ा सा गैस कम है हमारा, 40 का प्रेशर यहाँ बता रहा है, 45 का प्रेशर बता रहा है, तो इसके हिसाब से 200 का प्रेशर तो होना चाहिए था डिस्चार्ज प्रेशर, लेकिन 110 बता रहा है। तो इसका हम पंपिंग चेक करेंगे। अभी ये पाइप को डिस्कनेक्ट करेंगे, तो जिसमें जो गैस है उस गैस को हम रिलीज करेंगे, थोड़ा सा गैस है, 45 का प्रेशर है, उस गैस को रिलीज करेंगे, उसके बाद इसका हम पंपिंग टेस्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें जितना भी रेफ्रिजरेंट था सब मैंने रिलीज कर दिया है, डिस्चार्ज और सक्शन दोनों हमने ओपन कर दिया है, पाइप को बाहर निकाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा गैस था इसको मैं रिलीज कर दिया, मैं स्टोर नहीं करना चाहा। कल मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, पूरा दिन इसी में लगा दिया मैं, कैपिलरी और फिल्टर इसको धोने में, साफ़ करने में, फ्लश करने में सारा टाइम मैंने बिता दिया, और ये चीज़ मैंने चेक नहीं किया, जबकि ये चीज़ पहले चेक करना चाहिए। जब भी आपका कंप्रेसर कूलिंग नहीं कर रहा हो और चोक जैसी समस्या हो, तो सबसे पहले कंप्रेसर की पंपिंग चेक करनी चाहिए। अब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्रेसर आप बाहर ही निकालें, सिस्टम में लगे ही आप कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं, कंप्रेसर का पंपिंग चेक कर सकते हैं। अभी मैं लाइव मैं चेक करके दिखाऊंगा, यहीं पे बैठा हूँ, मेरा सब कुछ, मेरा टूल्स और एयर कंडीशनर यहीं पर है, मैं इसे चेक करके दिखाऊंगा कि कैसे चेक करते हैं पंपिंग, वो भी सेट में लगे हुए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कंप्रेसर बाहर निकाल के ही पंपिंग चेक किया जा सकता है, सिस्टम में लगा है फिर भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कल मैंने यह फ़िल्टर निकाला, फ़िल्टर में जो एक जाली लगी होती है
उस जाली को मैंने तोड़ा, तोड़ के उसके बाद फ़िल्टर मैंने साफ़ किया, साफ़ करके वापस लगाया, नया कैपिलरी यहाँ पे लगाया और ये फ़िल्टर हमने लगाया, ये छोटा वाला फ़िल्टर। ये लगाने के बाद फिर भी वही समस्या, तो सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहिए थे कि कंप्रेसर का पंपिंग क्या है, ये मैंने चेक नहीं किया और ये सारा काम मैंने कर दिया, एक दिन हमारा वेस्ट हो गया और इसके साथ में हमारा लगभग 1.5 किलो 2 किलो गैस भी हमारा वेस्ट हो गया। इसलिए आज हम इसका पंपिंग चेक करेंगे और मुझे 100% उम्मीद है यही कि पंपिंग ही डाउन होगा इस कंप्रेसर का, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कूलिंग नहीं हो रहा, सक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो अभी हम चेक करते हैं इसका पंपिंग, कैसे चेक करना है ये भी आप देखिए। अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और कंप्रेसर हमारा चल रहा है, यहाँ पे सक्शन खींच रहा है, सक्शन भी खींच रहा है और यहाँ पे डिस्चार्ज फेंक रहा है। अब इसका पंपिंग हम चेक करेंगे, देखिए ये बिल्कुल काम कर रहा है, ऐसे नहीं पता चलेगा। इसका पंपिंग हम चेक करेंगे, देखिए ये हाई प्रेशर, जो हाई प्रेशर का ये होता है गेज, इसे हम लगाएंगे रेड वाला। और ये ध्यान रहे कि इसका वाल जो है ये खुला होना चाहिए, दोनों वाल खुला होना चाहिए, इसे हम डिस्चार्ज लाइन में लगाएंगे। और उससे पहले देखिए इसे हम कंप्रेसर को 500 PSI तक दे करके इसका पंपिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम में लगा हुआ है, इसके साथ में कंडेंसर है, कैपिलरी है, फिल्टर है, सब कुछ है, इसलिए इसे हम 300 PSI का प्रेशर देंगे। सिस्टम में लगा है तो कम हम देंगे प्रेशर इसका, इसे यहाँ लगा दिए हम। अब देखिए यहाँ से फेंक रहा है तो इस वाल को हम बंद कर देंगे, अभी देखिए प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखिए प्रेशर बढ़ना हमारा शुरू हो गया, जो है 300 PSI तक जाएगा, इसे हम बंद कर देंगे। उसे बंद करने के लिए हमारे पास रिमोट नहीं है, मैं डायरेक्ट यहीं से बंद करूंगा, तो कैमरा थोड़ी देर के लिए मैं रख दूंगा। 300 PSI तक जाएगा तो हम बंद कर देंगे इसे। अगर केवल कंप्रेसर आप चेक कर रहे हैं तो कंप्रेसर तब हम तब 500 PSI तक दे सकते हैं, लेकिन सिस्टम के साथ लगा हुआ है इसलिए हम सिर्फ 300 PSI तक का प्रेशर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ एम्पियर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, 250 पहुँच गया है। यहाँ से न्यूट्रल यहाँ से उतार देंगे, न्यूट्रल या फिर आप सी का कंट्रोल वायर है, दोनों में से कोई भी उतार दें बंद हो जाएगा। 300 PSI तक पहुँचने वाला है, अब इसे हम बंद करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने बंद कर दिया कंप्रेसर, और कंप्रेसर भी कैसे वाइब्रेट हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से ये निकल रहा है यहाँ से, और कंप्रेसर भी वाइब्रेट हो रहा है पूरा। आप देख सकते हैं इस तरह से ये सक्शन वापस फेंक रहा है यहाँ से, जबकि इसे नहीं फेंकना चाहिए, इसे स्टैंड रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से ये कांटा हमारा उतर रहा है नीचे, प्रेशर हमारा पूरा बहुत तेज़ी से उतर रहा है नीचे, क्योंकि यहाँ से इस सक्शन के बजाय ये डिस्चार्ज की तरह फेंक रहा है। तो क्या है, ये हमारा कंप्रेसर पूरा डैमेज हो चुका है और इस कंप्रेसर को हम अभी यूज नहीं कर सकते हैं। सक्शन के रास्ते से फेंक रहा है, क्योंकि इस कंप्रेसर में एक पिस्टन लगा होता है, वो पिस्टन के साथ एक स्प्रिंग भी लगा होता है, वही पिस्टन जब धक्का मारता है तो हमारे डिस्चार्ज में फेंकता है, वही स्प्रिंग लगता है, स्प्रिंग टूट गया है, या फिर पिस्टन के पास में एक स्लिप होता है, वो स्लिप या तो उसका जगह ज़्यादा हो गया है, इसलिए पिस्टन जब धक्का मारता है तो उसे धक्का मारने की वजह गैस वापस आ जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से फेंक रहा है, ये होता है
आप यहाँ देख सकते हैं बहुत तेज़ी से मीटर हमारा कितना नीचे आ गया, डाउन हो गया, पूरा गैस हमारा यहाँ से निकल गया सक्शन के रास्ते से, जबकि इसे स्टैंड होना चाहिए। इस सक्शन के रास्ते से सारा गैस हमारा फेंक दिया बाहर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ से नहीं फेंकना चाहिए। ये होता है हमारा पंपिंग चेक करने का तरीका। कल मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया उसमें कैपिलरी और फिल्टर साफ़ करने में, कल यही मैं चेक कर लिया होता दो मिनट में काम हो गया होता। अब यहाँ से हमने कंप्रेसर को निकालने का पूरा रेडी कर लिया है सिस्टम, यहाँ से हम कंप्रेसर को निकालेंगे बाहर। हमने कंप्रेसर को बाहर निकाल लिया है, शायद कैमरा दिख रहा है कि नहीं, बहुत धूप है यहाँ पे। अब इसे हम खोल करके इसका नट इसे हम उल्टा करके, अभी आप देख सकते हैं कंप्रेसर हमने उल्टा करके रख दिया है कि तेल इसमें से, इसमें जो कंप्रेसर का ऑयल है ये थोड़ा सा निकला है, लगभग होगा कितना 100 ml होगा, 100 ml या 75 ml ये ऑयल होगा। यहाँ थोड़ा सा गिर गया है, लगभग 20 ml गिर गया नीचे, और इतना ऑयल निकला है इसमें से, आप देख सकते हैं इतना ऑयल निकला है। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है, इसी तरह से बहुत ही आसानी से सिस्टम में लगे हुए कंप्रेसर की पंपिंग हम बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं एक टिप आपको देना चाहूँगा कि अगर आपका रोटरी कंप्रेसर है तो आप कभी भी गलती ना करें 300 का प्रेशर दे करके, जैसे मैं 300 का प्रेशर दिया हूँ वीडियो में, इस तरह से आप प्रेशर दे करके रोटरी कंप्रेसर की पंपिंग कभी भी चेक ना करें। अगर आपको पंपिंग चेक करनी है तो दोनों हाथ से दबा करके इस तरह से आप चेक करें, या फिर आप कम से कम 100-150 का प्रेशर देकर ही चेक करें कंप्रेसर की पंपिंग, अगर आपका रोटरी कंप्रेसर है तो। अगर आपका ब्रिस्टल कंप्रेसर है तो आप 300 का प्रेशर दे सकते हैं सिस्टम में लगे हुए के साथ। अगर सिर्फ कंप्रेसर का पंपिंग आप चेक करना चाहते हैं अलग करके, उसके डिस्चार्ज में आप चार्जिंग लाइन कनेक्ट करके आप पंपिंग चेक करना चाहते हैं तो आप 500 का प्रेशर भी दे सकते हैं, लेकिन सिस्टम में लगे हुए कंप्रेसर के साथ आप सिर्फ 300 का प्रेशर दें, वो भी ब्रिस्टल कंप्रेसर। अगर आपका रोटरी कंप्रेसर है तो कम से कम 100-150 का प्रेशर दे करके आप पंपिंग चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा अगर 300 का प्रेशर देंगे 400 का प्रेशर देंगे तो आपका कंप्रेसर बैठने का डर रहेगा, कंप्रेसर और भी ज़्यादा ख़राब होने का डर रहेगा, क्योंकि उसके साथ में पिस्टन लगा होता है, पिस्टन के साथ में एक स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग टूटने का डर रहता है। अगर आपका सही भी है, थोड़ा काम चलाऊ है, तो भी वो टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए 300 का प्रेशर इस तरह से कभी भी दे करके चेक ना करें, कभी भी गलती ना करें ये। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।